हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ा था। प्रिज्म में जो है कोणीय विक्षेपण, फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता, जितनी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा प्यारे बच्चों, उन फार्मूलों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कैसा पूछता, आज हम उन्हीं प्रश्नों का सॉल्व करने वाले प्यारे बच्चों। तो जैसा कि अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो देखा है, पिछली वाली क्लास देखा, तो आज की क्लास आपको फुल फुल मक्खन वाली लगने वाली है बच्चों। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पे नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट नंबर सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अब आपको याद आ रहा होगा कि यार ऐसा तो प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछता है, हम लोग नहीं लगा पाते प्यारे बच्चों। परंतु अब आज के बाद आप इन सभी सवालों को तोड़ मोड़ मड़ोड़ मड़ोड़ कर फेंक के आओगे वहां पर। चलो स्क्रीन पे जो सबसे पहला सवाल दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों, 2020 19 और 18 तीन साल लगातार पूछा गया ये प्रश्न। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर एक की हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों क्या हो, a हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अर्थात सोचिए जरा सा, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों a के बराबर है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक, तो प्यारे बच्चों प्रिज्म द्वारा जो पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक होता है, अपवर्तनांक होता है, वो हमने पढ़ा है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बटे दो, और पूरे के बटे पढ़ा है साइन a बटे दो। अब आप ध्यान से देखिएगा जरा सा, अब यहां पर क्या होता है कि जहां विचलन कोण है वहां भी a रखना, और प्रिज्म कोण तो है ही a, तो साइन ए, अब डेल एम के स्थान पे भी ए रखना है, बटे क्या कर दिए दो, पूरे बटे साइन ए बटे क्या हो गया, दो हो गया। अब ए ए जोड़ के क्या हो गया प्यारे बच्चों, टू ए हो गया, क्या हो गया, टू ए। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां हो जाएगा साइन टू ए बटे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो से दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। अब पूरे के बटे आ जाएगा साइन ए बटे दो। अब ध्यान से देखो, अब यहां से ऊपर आपको मिल रहा है साइन ए, और नीचे क्या मिल रहा है, साइन ए बटे दो, ठीक। यहां पर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता पहले बच्चों। अब आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कि साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं यहां से केवल थीटा की बात करूं, यहां टू हटाएंगे तो थीटा बटे दो लग जाएगा, यहां दो लग जाएगा, ठीक। तो वही सेम फंडा यहां भी लगेगा, साइन ए के स्थान पर हो जाएगा टू साइन ए बटे दो इंटू कॉस ए बटे दो, पूरे के बटे क्या है साइन ए बटे दो, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, दो कॉस ए बटे दो। तो जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो दो कॉस ए बटे दो के बराबर आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा, जो कि 2012 में पूछा गया। कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, प्रिज्म कोण को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, वो 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम बराबर 39 डिग्री है, कितना है 39 डिग्री है, ठीक। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना अर्थात एन बताना है आपको, साथ में एक हिंट दिया है साइन 49.5 डिग्री का मान 0.76 दिया है, ऐसे आपको वहां भी दिया रहेगा प्यारे बच्चों, आपको यन बताना है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बटे दो, पूरे के बटे क्या है साइन ए बटे दो, ठीक। अब यहां लगाए साइन ए प्लस डेल एम, तो डेल एम का मान कितना है, ए का मान 60 है प्यारे बच्चों, देखिए ए का मान 60, डेल एम का मान 39 बटे क्या हो गया, तो पूरे के बटे साइन ए बटे दो,
एक स्थान पे 60 बटे 2 हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, जब हम इनको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बताइए, साइन 60 और 39 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 और 39 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 99 बटे 2 पूरे के बटे हो जाएगा साइन, 60 बटे 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक, अब 99 बटे 2 करेंगे तो 99 का आधा ये भाग देंगे प्यारे बच्चों तो साइन 49.5 हो जाएगा और यहाँ साइन 30। आइए केवल वैल्यू रखते हैं तो उन साइन 49.5 का मान 0.76 है और साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 का गुना ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.76 × 2 तो 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 15 यहाँ 1.52 कितना आ जाएगा वैल्यू, ये एन की वैल्यू आ जाएगी 1.52। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप वहां दूसरा और ये पहला आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर कभी ना कभी अधिकतर पूछता, कभी कभार नहीं अधिकतर पूछता ये वाला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करा कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यन, यन, यन दिया है प्यारे बच्चों, एन इक्वल टू है कॉसेक ए बटे 2 है। ठीक, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना डेल्टा एम का मान, तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न। चलिए ध्यान से देखते हैं अब कैसे इसको हम हल करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 पूरे के बटे साइन ए बटे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चलिए साइन ए, ए का मान ए ही है और डेल एम आपको ज्ञात ही करना है और साथ में पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा फिर बच्चों। अब यहां हो जाएगा साइन ए बटे 2, अब एन के स्थान पे हो जाएगा कॉसिक, यन के स्थान पे हो जाएगा कॉसिक ए बटे 2। अब कॉसिक ए बटे 2 को हम लिख देंगे 1/sin a/2 बराबर आ जाएगा साइन ए प्लस डेलियम बटे 2 पूरे के बटे हो जाएगा साइन ए बटे 2। अब ये साइन ए बटे से साइन ए बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 1, उधर आ जाएगा साइन ए प्लस डेलियम बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब एक जो होता है प्यारे बच्चों वो साइन 90 अंश का मान होता है, जो एक होता है वो किसका मान होता है, साइन 90 अंश का मान, तो एक के स्थान पे हम साइन 90 रख सकते हैं और उधर बचा है साइन ए प्लस डेलियम बटे 2। ठीक, अब आप देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2 का गुणा 90 में हो जाएगा, 90 × 180 बराबर ए प्लस डेलियम, आपसे डेलियम पूछ रहा था ए को इधर कर देते हैं तो 180 ए इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा बराबर डेलियम, तो जो न्यूनतम विचलन कोण आया प्यारे बच्चों वो 180 डिग्री माइनस ए आएगा। यही रहा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न का जवाब। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉसेक ए बटे 2 को हमने साइन 1/sin a/2 कैसे लिखा, प्यारे बच्चों ये कक्षा 10 में आप लोगों ने त्रिकोणमिति वाला फार्मूला पढ़ा होगा, वहां से हम लोगों ने इसको ए लिख दिया है। ठीक, तो अगर एज ए इमेजिन कर लिया जाए कि आपको जहां एन की वैल्यू कॉसेक ए बटे 2 है, अगर वहां पर कॉट ए बटे 2 रहा होता तो प्यारे बच्चों तो कितना आता डेलियम का मान, ये रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, इसकी रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे प्यारे बच्चों। अगर कॉसेक ए बटे 2 के स्थान पे कॉट ए बटे 2 रहा होता तो डेलियम कितना आएगा, इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे की प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों जो कि आपको 2009, 2007 और 2005 तीन साल ये पूछा गया है। क्या कह रहा है, 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहली बात तो प्रिज्म कोण ए की वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री, अपवर्तनांक यानी एन
कि बेलू अंडर उड़ दो दिया पीले रंग के लिए। तो सबसे पहला ज्ञात करना इसमें अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम की वैल्यू, सेकेंड नंबर में आपतन कोण यानी आई की वैल्यू, थर्ड नंबर में आपको ज्ञात करना प्यारे बच्चों अपवर्तन कोण यानी आर की वैल्यू, और निर्गत कोण ज्ञात करना अगला, लास्ट में क्या ज्ञात करना निर्गत। चार प्रश्न पूछे प्यारे बच्चों, जरा सा भी नहीं डरना, बिल्कुल आसान और मक्खन की तरीका लगाएं। पहले हमको डेलियम ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू साइन a प्लस डेलियम पूरे के बटे दो, यहां हो जाएगा साइन a बटे दो। ठीक, अब n की जो वैल्यू है वो अंडर रूट दो है, अंडर रूट दो साइन, अब a की वैल्यू कितनी है 60 प्लस डेल एम बटे कितना है दो है पूरे के बटे साइन ए बटे दो, तो साइन ए के स्थान पे 60 बटे दो, ठीक, तो कैंसिल कर देंगे 30 आ जाएगा, तो अंडर रूट दो यहां आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम बटे दो, 60 का आधा किए तो 30, साइन 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इनका गुणा यहां कर देते हैं, ठीक, तो अंडर रूट दो गुणे क्या हो जाएगा साइन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई से साइन, यहां एक का गुणा इससे कर दिए तो साइन 60 प्लस डेलियम बटे कितना आ जाएगा दो आ जाएगा। ठीक, अब आप चाहो तो वैल्यू रख दीजिए प्यारे बच्चों, या तो आप क्या चाहे, हाँ तो साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान हम रखेंगे 1/2, ठीक बराबर, यहां साइन 60 प्लस डेलियम बटे क्या हो जाएगा दो, अब यहां से यहां क्या हो जाएगा कैंसिल, तब भी यहां एक अंडर रूट दो बचेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अंडर रूट दो गुड़े अंडर रूट दो लिखते हैं तो एक अंडर रूट कट जाएगा, एक अंडर रूट बचेगा, तो आपके पास क्या मिलेगा यहां पर 1/√2 बराबर, इधर बचा है साइन 60 प्लस डेलियम पूरे 1/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 अंश का मान होता है, किसका 45, तो साइन 45 बराबर साइन 60 प्लस डेलियम पूरे के बटे दो, साइन से साइन कैंसिल, ये आ गया 45, वो आ गए 60 प्लस डेलियम बटे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 45 दूनी 90 बराबर 60 प्लस डेलियम, प्लस 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60 बराबर डेलियम, 90 में से 60 घटा देते हैं पहले बच्चों 30 अंश आ जाएगा, तो जो अल्पतम विचलन कोण था वो कितना आ गया 30 अंश। ठीक, एक बार आप इसका आंसर जरूर मैच कराइएगा, क्या आपका आंसर मैच कर रहा है, जी बिल्कुल, न्यूनतम विचलन कोण जो आया है प्यारे बच्चों वो 30 अंश आया है, कितना आया है 30 अंश आया है। ठीक, अब हमको सेकेंड नंबर पूछ रहा आपतन कोण, आपतन कोण, तो प्यारे बच्चों स्नेल के नियम से जब तुलना करोगे तो ये पूरी टोटल चीज जो है प्यारे बच्चों ये आई का काम करता, यहां तक ये आई आपतन कोण, और ये जो होता है प्यारे बच्चों ये टोटल ये आर का काम करता है, साइन आई साइन आर। ठीक, तो अर्थात इसमें अगर मुझे सेकेंड नंबर प्रश्न ज्ञात करने हैं तो सेकेंड नंबर होगा आपतन कोण, आपतन कोण, तो आपतन कोण यहां आई जो होता है वो ए प्लस डेलियम बटे दो के बराबर होता है। अब ए की वैल्यू प्यारे बच्चों 60 है और डेलियम की वैल्यू 30 आपने निकाला, हल करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो आई की वैल्यू 45 आ गई। थर्ड नंबर में क्या पूछा है, थर्ड नंबर में पूछा आर, आर ए बटे दो के बराबर होता है, तो आर जो है वो ए बटे दो के बराबर हो जाएगा, तो ए जो होता है प्यारे बच्चों वो 60 है, ये दो कर दिए 30, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 30। और फोर्थ नंबर में पूछा है निर्गत किरण, निर्गत कोण, तो बता दिया जाए प्यारे बच्चों जो निर्गत कोण होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है, निर्गत कोण बराबर क्या होता है आपतन कोण, ध्यान से देखिएगा निर्गत कोण किसके बराबर होता है आपतन कोण, और आपतन कोण कितना है 45। ठीक, इस प्रकार प्यारे बच्चों देखिए कितना सरल सवाल बन गया,
तो 4 नंबर का जो सवाल है ये कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अरे बच्चों, तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। अल्पतम विचलन कोण अर्थात डेल एम की वैल्यू 30 अंश है, ठीक। आगे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण आर इक्वल टू भी 30 अंश है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, या इसी में एक प्रश्न और कहा है प्यारे बच्चों, कह रहा कि किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 60 अंश है तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न मिला जुला के दोनों एक ही है प्यारे बच्चों, वहां पर अपवर्तन कोण 30 दिया, वहां पर प्रिज्म कोण 60 दिया, तो अथवा करके भी हम अथवा वाला भी प्रश्न यहां पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एक तरफ अथवा भी समझ लेते हैं। यहां पर क्या करा, विचलन कोण 30 दिया है और प्रिज्म कोण जो है 60 दिया है प्यारे बच्चों, तो इस यहां एन बताना है, यहां पर आपको एन बताना है, यहां पर भी एन बताना है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक उम्मीद है कि आपको मैंने जितना सवाल बताया है हर एक सवाल आपको लगाने में बहुत ही मजा आया होगा, ठीक। ऐसे अभी आगे जितने सवाल हैं सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, सारी सवाल लगाने में आपको आनंद आएगा। देखिए अब यहां से मुझे यन ज्ञात करना है, तो यन ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों जब तक ए नहीं पता होगा तब तक हम एन नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम जानते हैं आर इक्वल टू होता है ए बटे दो, अगर मुझे ए निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा 2R। अब 2 गुणे R की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 30, तो भैया ए की वैल्यू आ गई 60, यानी प्रिज्म कोण 60, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे, देखिए मिल गया नहीं, ए इक्वल टू 60, डेल एम इक्वल टू 30, ठीक। तो n इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या पढ़े थे फॉर्मूला, साइन ए प्लस डेल एम बटे दो पूरे के बटे क्या आ जाएगा, साइन ए बटे दो, ठीक। अब यहां साइन ए का मान कितना है 60, डेल एम का मान कितना है 30 बटे दो पूरे के साइन ए बटे दो यानी 60/2, ठीक। आइए अब इसको हल करते हैं, क्या आ जाएगा एन इक्वल टू साइन 60 और 30 90, 90/2, तो 90/2 करेंगे प्यारे बच्चों 45 आ जाएगा, और नीचे 60/2 करेंगे तो 30 आ जाएगा साइन 30। अब साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/2, दो ऊपर पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2/√2 आ जाएगा, ठीक। ये एन की वैल्यू, अब इस 2 को हम कर्ली में 2 * (2) लिख सकते हैं, और ये कर्ली 2 है पहले ये कट गया, तो n इक्वल टू √2 जिसकी वैल्यू 1.414 होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका ये जो 5वां नंबर था ये वाला हो गया। अब अथवा वाला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो सेम टू सेम इसी प्रकार से है, आप उसका जो है हल कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आप इसे प्यारे बच्चों हल कर लेंगे, जरा सा भी आपको ये सवाल लगाने में कठिनाई नहीं आएगी। जो आपका आंसर आए वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब कुछ प्यारे बच्चे ऐसे होशियार होंगे जो कि सोचते होंगे कि इसका आंसर यही आएगा, जी हाँ प्यारे बच्चों इसका आंसर यही आएगा, परंतु आप इसको एक बार अपने मन से लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं 6ठे नंबर की, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों, तो 6ठा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण, जो आपतन कोण है वो प्रिज्म कोण का 3/2 है, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो प्रश्न में यह दिया है कि जो आपतन कोण है, पहले तो मान लेते हैं कि माना जो प्रिज्म कोण है वो ए है, माना प्रिज्म कोण क्या है ए है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण आइए वो प्रिज्म कोण का 3/2 है, तो प्रिज्म कोण ए है का 3/2 मतलब 1 का गुणा 3/2 हो गया, ठीक। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों
क्या जानते हैं? जो आई होता है, जो आई होता है वो ए प्लस डेल एम बटे दो के क्या होता है, बराबर होता है। तो आई की वैल्यू हम रखें तो 3a/2, इधर ए प्लस डेल एम बटे दो आ गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3a/a+dm। अब ए इधर आ जाए तो 3a-a/dm, 3a में से 2a के घटा देंगे तो 2a आ जाएगा बराबर dm। अर्थात जो विचलन कोण होगा वो प्रिज्म कोण के 2 गुना होगा, जो ये विचलन कोण है वो प्रिज्म कोण के क्या होगा, 2 गुना होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका 6ठा नंबर क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि अभी तक सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे 7वें प्रश्न की। गाइस आपको 7वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, किसी पतले, अब जो टॉपिक है वो बदल गया है, इतनी देर तक हम लोगों ने प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पे पढ़ा था सूत्र पे सवाल, अब हम पतले प्रिज्म के द्वारा विचलन होता तब के लिए सवाल लगाएंगे। क्या करा, किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है, मतलब ए की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां 4 डिग्री है आगे, तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n=1.5 है, तो प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो जब न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला था वो हम लोगों ने पढ़ा था, डेल्टा एम बराबर n-1 × a। ठीक, अब यन का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1.5 - 1 इंटू ए, ए का मान है 4 डिग्री। ठीक, घटा देंगे तो 1 आएगा, गुणे 4 डिग्री, गुणा करेंगे तो 4 डिग्री आ जाएगा। तो डेल्टा एम की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 4 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ये 7वां नंबर प्रश्न है। अब हम बात कर लेते हैं 8वें नंबर प्रश्न की। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या करा है कि 6 डिग्री कोण के एक पतले प्रिज्म से, 6 डिग्री कोण के एक पतले प्रिज्म से, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 6 डिग्री है, 3 डिग्री का विचलन उत्पन्न होता है, यानी डेल एम की वैल्यू कितनी है, 3 डिग्री। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है बच्चों, यन की वैल्यू ज्ञात करनी है। आइए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसी फॉर्मूले पर लगाएंगे, तो डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 × a, n-1 × a। अब डेल एम की वैल्यू कितनी है, 3, यानी की वैल्यू नहीं पता है परंतु ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 6 है ना, तो 3 डिग्री और ये 6 डिग्री, 3 × 1 = 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, 3 दूनी 6, कैंसिल हो गया। अब इस 2 को हम इधर करेंगे तो 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/2, और उधर n-1 हो जाएगा। ठीक, अब -1 इधर आ जाए तो -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 + 1 हो जाएगा बराबर n। इसको हल करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक, n की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, जिसे आप कैंसिल करोगे तो 1.5। तो जो अपवर्तनांक था वो n = कितना आ गया, 1.5। इस प्रकार आप 8वें नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं आगे के प्रश्न को। तो गाइस 9वां नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। बैगनी तथा लाल रंग के लिए किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक, किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक 1.54 और 1.51 है, यानी प्यारे बच्चों जो बैगनी होता है उसे हम वी से दिखाते हैं, वैलेट NV। ठीक, जो बैगनी रंग होता है भैया हम उनको क्या दिखाते हैं, NV, वो कितना है, 1.54 है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अगला लाल रंग के लिए 1.51 है, तो लाल रंग के लिए NR से दिखा देते हैं, 1.51 है। आगे क्या कह रहा है, और साथ में इस पदार्थ के बने एक प्रिज्म का जो कोण है वो 5 डिग्री है, कितना है, 5 डिग्री है। तो आगे पूछ रहा है तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए, कोणीय परिक्षेपण। तो प्यारे बच्चों हमने कोणीय परिक्षेपण का क्लास में बताया था फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय परिक्षेपण का फॉर्मूला थीटा पूछा है। ठीक, तो थीटा के लिए मैंने बताया था कोणीय परिक्षेपण थीटा इक्वल टू होता है वैलेट की अपवर्तनांक माइनस रेड का अपवर्तनांक
इनटू ए, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो एनवी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 1.54 माइनस 1.51, ठीक, इनटू ए, ए कितना है 5 डिग्री। अब इनमें से घटा देते हैं, तो 4 में से 1 घटा दिए 3, 5 में से 5 घटा दिए 0, ठीक, तो मतलब 0.03 गुणे कितना 5, तो 5 तेई 15, तो 0.15 डिग्री होगा, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो कोणीय परिक्षेपण क्षमता यही होगा 0.15 डिग्री। तो गाइस आपको 10वां नंबर जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। यानी एक बार उसे आप जल में डुबोइए और उसके द्वारा जो विचलन कोण होगा वो वायु में, जो वायु में जब आप रखे थे उसके 1/4 हो जाएगा। यही आपको दिखाना है प्यारे बच्चों। यानी अगर मान लीजिए कि आपने जल जब वायु में रखा था तो विचलन कोण 16 डिग्री था, और जब जल में रखोगे तो 4 हो जाएगा, चौथैया हो जाएगा, ठीक, यही कहना चाह रहा है। तो उसे देखिए, तो प्यारे बच्चों हिंट के लिए आपको कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2, और क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। ये आपके प्रश्न में दिया गया है, ठीक। अब जो आपको सिद्ध करना है वो सिद्ध ये करना है प्यारे बच्चों, जो विचलन कोण है, सिद्ध ये करना है जो विचलन कोण है, जल जल का जो विचलन कोण है वो वायु के विचलन कोण का 1/4 रह जाए। तो भैया चौथैया रह जाए तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक, यही आपको सिद्ध करना प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ठीक। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था प्यारे बच्चों, वो फार्मूला था कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो मैंने कहा था इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली या फार्मूले लगा लीजिए अपवर्तनांक। तो इसके लिए क्या होता है फिर बच्चों, जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का क्या हो जाएगा, वायु का कांच के सापेक्ष, जल का कांच सापेक्ष, तो हो जाएगा WnG इक्वल टू इसका Amg/, क्या हो जाएगा AnW, तो हो जाएगा 3/2 और यहाँ 4/3। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 3 3 का 9 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक, 9/8। इस बात को ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, 9/8, ये आ जाएगा WnG, WnG की वैल्यू कितनी आ गई, 9/8, ठीक। तो गाइस अब हम ये तो हमने अपवर्तनांक निकाला है, हमको विचलन कोण का अनुपात देखना है। तो विचलन कोण का अनुपात कैसे हो जाएगा, अब सबसे पहले निकालेंगे जल में विचलन कोण, जल में विचलन कोण, तो जल में विचलन कोण को ΔW से व्यक्त कर दिया, W मतलब जल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा मतलब। अब बताओ विचलन कोण का फार्मूला होता है N-1 × A, यानी कि वैल्यू दिया गया प्यारे बच्चों जल में, जल के लिए जो है अपवर्तनांक कितना दिया गया, यहां दिया गया 4/3, 4/3 − 1 × A हो जाएगा। अब देखिए 3 यहां हो जाएगा तो 4 में से 3 घटा देंगे प्यारे बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जल के लिए तो ये था ना, जल के लिए अपवर्तनांक ये था प्यारे बच्चे, सॉरी। तो यहाँ आ जाएगा 9/8, 9/8। तो अब देखिए, तो जब आप निकालेंगे 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में से 8 घटा देंगे 1, तो 1/8 × A आ जाएगा, बराबर A/8। मतलब जल में विचलन कोण 1/8 आया। अब वायु में विचलन कोण निकालेंगे, वायु में विचलन कोण, तो वायु में जो विचलन कोण होगा वो क्या होगा वो ध्यान दीजिए, तो ΔA बराबर हो जाएगा N-1 × A, यहाँ W था यहाँ A हो जाएगा, तो A के लिए क्या है प्यारे बच्चों 3/2 है, −1 × A। अब यहाँ हल करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, A/2,
यानी डेल ए की वैल्यू ए बटे दो और डेल डब्ल्यू की वैल्यू ए बटे आठ। अब हम करते क्या है, ये भैया डेल डब्ल्यू है, ये डेल ए है, ये समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो। अब हम करते क्या है, समीकरण एक बटे समीकरण दो, यहां से यहां थोड़ा हल कर लेते हैं बस। तो समीकरण एक बटे क्या हो जाएगा फिर बच्चों, समीकरण दो, तो समीकरण एक क्या है, डेल डब्ल्यू बटे डेल ए, और वहां ए बटे आठ है प्यारे बच्चों, यहां है ए बटे दो। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये दो कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो दो बटे आठ आएगा, ये आ जाएगा एक बटे चार, डेल डब्ल्यू बराबर बटे डेल ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल डब्ल्यू बराबर एक बटे चार गुणे डेल ए। यही तो आपको प्रूफ करना था कि जल में जो विचलन कोण है वो वायु में विचलन कोण के चौथैया है, यही आपको देखिए सिद्ध करना था बच्चों। इस प्रकार आपका जो ये 10वां नंबर था, ये सवाल पूर्ण रूप से क्या होता है, कंप्लीट होता है। ध्यान देना है, यहां से हम लोग 10वें को यहां पर हल किए, ठीक। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी प्यारे बच्चों, आज के क्लास में बताए गए सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग केवल यहीं तक बात करेंगे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्लास जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो सभी दोस्तों के पास, सभी फ्रेंड के पास, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मजेदार टॉपिक लेकर, एकदम मक्खन वाली भाषा में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस से जोड़ने के लिए दिल से धन्यवाद प्यारे बच्चों।